तो आज हम फाइनली बैकग्राउंड चेंज करने जा रहे हैं इस फोटो का। ठीक है, ये आपके सामने आपको इमेज नज़र आ रही है। ठीक है, इस इमेज का आप जहाँ बैकग्राउंड चेंज करेंगे वो भी मोबाइल में, मोबाइल की एप्लीकेशन यूज़ करते हुए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मैसेजेस आए थे कि बैकग्राउंड चेंज करना सिखाएं, उसके ऊपर वीडियो बनाएं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे करता हूँ एडिटिंग वगैरह, अपलोड करता रहता हूँ अपनी फोटोज़। ठीक है, राना सुमान 7330 है मेरा प्रोफाइल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, सबसे पहले तो आपने जाना है अपने प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर पर लिखना पिक्स आर्ट। पिक्स आर्ट जब आप लिखेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगी, आपने इसे कर देना है यहाँ से इंस्टॉल। जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपके पास यहाँ ये आपके पास आ जाएगी, आपने इसे ओपन करना है। फर्स्ट टाइम ये थोड़ा लेट ओपन होगी, ये हो गई ओपन। अगर तो आपके पास आपकी गूगल आईडी होगी तो आपने यहाँ से गूगल आईडी कर देनी है। ठीक है, और अगर आपके पास गूगल आईडी नहीं है तो आपने यहाँ से स्किप देखो ऊपर, यहाँ से स्किप कर देने से मैंने इसे स्किप किया। आपने ये बिल्कुल नहीं खरीदना। ठीक है, अगर आपने खरीदना है तो बेस्ट ऑफ लक, यहाँ से मैं इसे क्रॉस करता हूँ। अच्छा, ये सबसे पहले पेज आ जाएगा, अलाउ करते हैं इसे। और अगर ये पेज अनफॉर्चुनेटली नहीं आता तो आपके पास आएगा ये वाला पेज, ये पेज आएगा। यहाँ सारे फोटो एडिटिंग वगैरह अपलोड की होती है तो मैं यहाँ से प्लस करूँगा, और जो से मैंने फ़ोटो एडिट करनी होगी वो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। मैंने फ़ोटो एडिट करनी है ये वाली, मैंने आपको कहा था पहले। इसका बैकग्राउंड चेंज करने से मैं शेयर करता हूँ और पिक्स आर्ट पर ओपन करता हूँ, अगर तो वो आ जाए। ये रही पिक्स आर्ट, मैंने इसे किया ओपन। अच्छा, तो फ्रेंड्स ये आगे पिक्स आर्ट में ओपन हो गई है। ठीक है, इमेज पिक्स आर्ट में बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फिल वक्त हम सिर्फ बैकग्राउंड चेंज पे ही रहेंगे। यहाँ से आपने कट आउट करना है, कट आउट करके इसे आपने कर देना क्रॉस। अच्छा, ये पर्सन सिलेक्शन है जो कंप्यूटर मोबाइल खुद करेगा, ये वो है आउटलाइन जो आप खुद करोगे। आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपने पर्सन पे दबाना है, क्योंकि आपने पूरे का पूरा पर्सन ही सिलेक्ट करना है। और फाइनली ये पर्सन सिलेक्ट हो गया। प्रीव्यू से आप देख सकते हो कि कैसा ये इमेज आएगा। सॉरी, इसे ब्लैक करते हैं और जूम करके यहाँ थोड़ी सी सफाई वगैरह हमने खुद करनी है, थोड़ा साइज कम करके जहाँ जहाँ आप मूव करोगे वहाँ वहाँ से होता रहेगा ये रिमूव, वाइटनेस जोन सी है। अच्छा, कुछ यहाँ है, थोड़ा साइज और छोटा करते हैं। थोड़ा इतना सा साइज ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, कुछ सॉरी, कुछ यहाँ है, ये हो गया, यहाँ से भी कुछ यहाँ है। अच्छा ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया साफ। अब आपने यहाँ कर लेना सेव, सेव में थोड़ा टाइम लेगा। जब ये सेव हो जाएगा तो आपने इसे अगेन ओपन करना है इस इमेज को। आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बैकग्राउंड अपना डाउनलोड कर लें, जो सभी अपने बैकग्राउंड चेंज करना है। अच्छा, ये कुछ ज़्यादा ही टाइम ले गया। अच्छा, तो गाइज आप ये आपका सामने इमेज है। ठीक है, आप इसका बैकग्राउंड, इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं, आपने खुद ही लगाना है। आपने यहाँ स्वीप करना है और यहाँ से आपको ये ड्रा का ऑप्शन मिलेगा, ड्रा में जाकर फिर ड्रा में जाना है। यहाँ लेयर लेयर्स वाली एडिटिंग आ जाएगी जो कंप्यूटर में करते हैं हम। ये लेयर्स हैं, आपने इसी लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने ऐड ऑब्जेक्ट में जाके फोटो को ऐड करना है। यहाँ से ये फोटो है और ये हमने 3x4 मतलब क्या, आपने आपकी जैसी भी इमेज आपने वैसा ही साइज सेलेक्ट करना है। ये क्यों खराब हो गया? अच्छा, तो ये ठीक है गाइस, तो मैं इसे ओके करता हूँ। अब मैंने करना क्या है, इससे पहले तो मैं ऐसे करता हूँ और अब जरा मैं इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ। लेयर ट्रांसफॉर्म,
ये हो रही है ट्रांसफॉर्म, यहाँ से ये चार कोने नहीं इसने दिए। खैर ये इतनी सी, इसे ओके करता हूँ। अच्छा गाइस, अब ये वाली जो इमेज है इसे मैंने बैकग्राउंड पे ले आना है, बैकग्राउंड पे, और ये वाली हमारी इमेज ऊपर आ जाएगी। अब आप देखो ज़रा, ये हो गया आपकी इमेज एडिट। अब मैं इसे ओके करता हूँ। अब अगर आपने इसमें और भी कुछ रियलिटी दिखानी है, अभी भी ये रियली लग रही है, अगर फिर भी आपने रियलिटी दिखानी है तो गाइस यहाँ से सिंपली अपने इफेक्ट में आना है और आपने इफेक्ट यूज़ करने शुरू कर देने हैं। ये देखो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स हैं यहाँ, ये है नॉइस है, ग्लिच है, लेकिन याद रखिएगा कुछ इफेक्ट्स आप यूज़ नहीं कर सकते और कुछ कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि ये ग्लिच है, ये ग्लिच चला रहा है, इंजन के ऊपर ट्राई लिखा होगा वो आप यूज़ नहीं कर सकते। ओके मैं इसे इसका स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ, हम स्क्रीन शॉट से काम चला लेंगे। ये है, फिर ये है, ये कुछ अच्छा लग रहा है, इसके बाद ये कुछ अच्छा है, ये भी ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ होंगे। हम ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, ये देखें यहाँ काफ़ी ज़्यादा ही आ जाएंगे, ठीक है। आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, ये भी है और ब्लैक में भी है, ये ब्लैक एंड वाइट भी है। अच्छा यहाँ से आप कैनवास में जा सकते हो, स्केच में जा सकते हो, मैजिक में जा सकते हो, ब्लर में, और यहाँ से ये भी यूज़ कर सकते हो, पेपर वाले में काफ़ी अच्छे होते हैं ये, जैसे कि ये वाला देखें आप, फिर आप ये देखें पेपर में काफ़ी काफ़ी अच्छे इन्होंने अपलोड कर दिए हैं, आप ये वाला देख लो, ठीक है गाइस। ये ओके है, ये मैं ओके करता हूँ। अच्छा तो अब आपने क्या करना है, आपने इस इमेज को सेव कर लेना है, ठीक है। ये आप इमेज आपकी परफेक्ट हो गया, आपने यहाँ से सेव का क्लिक करना है और ये सेव हो जाएगी आपके मोबाइल में। ओके सेव। अच्छा मैं आप इसे दिखा देता हूँ ये सेव कहाँ हुई है। सॉरी एलएमएस नहीं, इसे ओपन करते हैं। एलएमएस नहीं, एलएमएस नहीं, अच्छा, मैं ये भी नहीं, ये आ गया और ये इमेज आ गई आपकी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखो आपकी इमेज बिल्कुल परफेक्ट है, कोई मसला मसाइल नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। और ये बिल्कुल ऐसे आपने बैकग्राउंड एडिट करना है, ठीक है गाइस। तो अगर आपने और भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो क्या क्या करना चाहते हो, आप अपनी टोन्स वगैरह सेट करना चाहते हो, या फिर ये तो अभी पिक्स आर्ट की है, और आपको और भी सॉफ्टवेयर्स के साथ साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि क्लाउड्स कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, और वाइटनेस कैसे लेके आते हैं, कलर कैसे चेंज करते हैं, डबल कलर कैसे करते हैं, ये सब आपको सिखाऊंगा, ठीक है। आप कमेंट करो और बताओ मुझे और क्या आपने पिक्सआर्ट में कैसी एडिटिंग आउट करना चाहते हो, तो वो मैं आपके वैसे ही वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके तो गाइस थैंक यू सो मच, हाफिज़।